आजमगढ़ जिले के दौरे पर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा सुप्रीमो ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, जो भी लोग भाजपा के खिलाफ हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। अखिलेश यादव सपा विधायक दारा सिंह चौहान के पैतृक आवास गेलवारा में दारा सिंह की मां को श्रद्धांजलि देने आए थे। किसान सम्मान निधि में जांच के सवाल पर अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार ने जब किसान सम्मान निधि का फैसला लिया था तो इनके पास बजट नहीं था। यह लोग इस योजना का लाभ सभी किसानों को देना भी नहीं चाहते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार बुलडोजर से डराना चाहती है। सरकार का यह बुलडोजर चिन्हित करके चलाया जा रहा है। जिले के अशरफिया यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत पुरानी है, उस पर भी बुलडोजर चलाया जाना गलत है। कानपुर की घटना का जिक्र करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि कानपुर में एक गरीब काम करने गया, जब वह वापस घर लौटा तो घर ही गायब था। ऐसे में समझा जा सकता है कि यह सरकार किस तरह से बुलडोजर चला रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा गैर कानूनी घर भाजपा के नेताओं के बने हैं, भाजपा अपने घरों पर कब बुलडोजर चलाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ये क्यों भूल जाती है कि देश संविधान से चलता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ललितपुर में मुख्यमंत्री राम राज्य की बात कर रहे थे, उससे पूर्व थाने में रेप हुआ था। ऐसे में इन थानों पर बुलडोजर कब चलेगा। भाजपा के लोगों से न्याय की उम्मीद नहीं है, यहां पर न्याय मांगने पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आजमगढ़ उपचुनाव में प्रत्याशी के सवाल पर कहा कि पार्टी के लोगों के साथ बैठकर विचार किया जाएगा। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग समाज में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। और राहत दी गई थी हाईकोर्ट से, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और मुकदमे को फंसा दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा लगातार इस तरह का देखा जा रहा है। 17 को अगली सुनवाई हो रही है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में बहस चल रही है, बहस भी पूरी हो चुकी है। बहुत जल्दी आगे आजमगढ़ साहब बाहर आएंगे और सरकार की लगातार ये कोशिश रही है आईडी नीचे करो यार सके, उन पे इतना दबाव हो, कानूनी इतना शिकंजा रहे कि वो बाहर ना निकल पाए। हमें उम्मीद है समाजवादियों को और पूरी जनता को उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अपने पॉलिटिकल लोग जो उनके खिलाफ हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके ऊपर इस तरह के मुकदमे लग रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा फैसला आया है कि इस तरह के मुकदमे ना लगें और राष्ट्रद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे जो लगाए जा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है इस कानून का ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। सर एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ और प्रमुख सचिव ने उसकी जांच के लिए आदेश दिया, आप किस पे चीकू भैया? मुझे याद है जिस समय किसान निधि का फैसला लिया गया था, सरकार नहीं चाहती है किसानों को सभी को मिले। जिस समय योजना बनी थी वो सभी किसानों की मदद के लिए योजना बनी थी, क्योंकि इनके पास बजट नहीं है, ये सभी किसानों को नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए समय समय पर ये जांच कराते हैं जिससे इनका बजट ज्यादा खर्च न हो। हमारे एक साथी ने बुलडोजर की बात की, कानपुर देहात में गरीब अपना काम करने गया, मजदूर सब्जी बेचने गया, जब घर लौटा तो उसका बुलडोजर से घर को ये सरकार बुलडोजर चला करके डराना चाहती है। और खास करके मुसलमान भाई और खास करके जो उनके दल के नहीं है उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, चिन्हित करके बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका सम्मान न केवल आजमगढ़ में है, प्रदेश में है, देश में असर किया, अशरफिया यूनिवर्सिटी का और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसकी पहचान एक अलग है। कब की बाउंड्री बनी हुई, कब का जगह बनी उनके हाथ में, उनके यूनिवर्सिटी में शामिल थी, लेकिन आज बुलडोजर लेकर के चली गई। सरकार ये क्यों भूल जाती है कि देश कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। और ये अगर बुलडोजर चलने लगेगा तो सबसे ज्यादा गैर कानूनी
अगर घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। मैंने अभी एक जिले की जानकारी की, बरेली की। बरेली का सबसे पॉश इलाका जिसमें सबसे ज्यादा अगर नक्शे ना पास करा करके घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घरों पर बुलडोजर चलवाएगी? एक थाने में एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, क्या थाने में बुलडोजर